हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वर्ल्ड वेयर की वीडियो लेके आया हूँ। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, यूएस रशिया एंड इसराइल रैक टू इंडियाज आईएनएस विक्रांत। तो मैंने वीडियो लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप, मेरे को पता है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, पर मेरा देखने का मकसद आपके साथ ये होता है कि मैं आपको अपने विचार बता सकूं और कमेंटों में आपके विचार अपने तरफ देख सकूं कि आप क्या सोचते हो। तो मुझे भी समझ आती है आपकी और आपको मेरी भी समझ आती है, क्योंकि हम सब सोल्जर हैं, हमें एक एक दूसरे के साथ मिलके ही चलना है। तो जैसे कि हमने उस डेट को, जैसे कि ये झंडा भी हमने चेंज कर दिया अपनी नेवी का, बहुत अच्छा किया, सल्यूट है गवर्नमेंट को और सल्यूट है इस न्यू झंडे को, और शिवाजी महाराज को तो सल्यूट है ही है, क्योंकि ये हमारे जो पुराने जो हिस्ट्री के थे, ठीक है, पावरफुल, वो आपको पता ही है। क्योंकि इसमें जो अपने क्या कहते हैं वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन सर है, उन्होंने आपको इस वीडियो से पहले इस वीडियो के बारे में, झंडे के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। वो वीडियो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जितने भी आप लोगों कि जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सारे अपने इंडियन भाई बहनों के यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि सारे एक दूसरे के साथ जुड़ें, ठीक है। बस ये होता है कि मैं जो अपने सोल्जर कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, सोल्जर बनो, वो इसलिए कहता हूं कि मेरे भी विचार आपके तरफ पहुंचे, ताकि आप मेरी जो सोच है आपको लगे कि इस बंदे की सोच क्या है, वो सोच समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो। और जो मैं सोचता हूं, हमें जो कोई मुहिम चलानी है जाए, कुछ करना है, तो वो मैं आपका साथ चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एकजुट हो सकें। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो मेरे को पता है आप लोगों ने वीडियो देख रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पूरी वीडियो देखें और एंड में मेरे विचार सुने, मेरी बातें सुने, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, प्रशांत धवन। नाउ फाइनली आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का पार्ट बन चुकी है, हिस्टोरिक डे था इंडिया के लिए 2 अक्टूबर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का क्या रिएक्शन था आईएनएस विक्रांत को लेकर, और चाइना इन पर्टिकुलर इसकी आलोचना क्यों कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट आईएनएस विक्रांत एंड द वर्ल्ड रिएक्शन। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक अपने आप में मोटो भी है, क्योंकि अपने आप में इस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है कि ये चलता फिरता शहरी आप समझिए, क्योंकि 1600 लोग यहाँ पर रहेंगे, कई एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप स्टेशन कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पर कि व्हाट इज द मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ऑप्शन बी, द डिफेंडर ऑफ इंडियन ओशन। ऑप्शन सी, माई रेन बिगेंस नाउ। या फिर ऑप्शन डी, कम एट मी ब्रो। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा। वीडियो क्या, मैं वीडियो ये इसलिए रुकी है, वैसे तो मेरे को पता ही है, क्योंकि ए है इसका मोटो, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, ठीक है। लेकिन मेरे थोड़े का दिल को ये था कि थोड़ा सा एग्रेसिव और होता ना, तो वो होना चाहिए था डी, कम एट मी ब्रो, कम एट मी, आओ तो सही, पंच तैयार है, भूसा मारेंगे, कम एट मी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ये इन्होंने दिया हुआ है, जो मोटो दिया है, आई डिफीट दोस, अच्छा लगा मेरे को, हु फाइट अगेंस्ट मी, वेरी गुड, बहुत मजेदार है। अंत में नाउ आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से इंडिया एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जिनके पास 2 या फिर 2 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में आप अगर देखो तो सिर्फ ऐसे 5 देश आपको मिलेंगे। एक तो ऑफ कोर्स चाइना है, चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंडिया के पास अब 2 चुके हैं, इटली के पास 2 हैं, उसके अलावा आप देखोगे यूके के पास 2 हैं, फिर आपको यूएसए मिलेगा जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी हाँ, यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, इनका हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखो तो 90,000 से लेकर 1,00,000 मेट्रिक टन के डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आपको दिखेगा। जबकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखोगे, मोस्ट रिसेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। मगर यूएसए के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिखेगी। जब इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बनके तैयार हो गया तो दुनिया भर की मेजर कंट्रीज ने रिएक्ट भी इस पर किया है।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया के राजदूत हैं टू इंडिया देनिस अलीपोव, ये आईएनएस विक्रांत की कमिशनिंग सेरेमनी में आए और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्होंने फोटोज अपलोड करी है। यहाँ पे आके इन्होंने कई स्टेटमेंट दी। पहली बात उन्होंने यहाँ पर ये कही कि ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और इंडिया अब आगे बढ़ रहा है टू बिकम ए ग्लोबल पावर। ये जो इनकी स्टेटमेंट है इसने काफ़ी हेडलाइंस बनाई थी कि रशियन ऑनवॉय टू इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम ए ग्लोबल पावर। और टेक्निकली वैसे मैं आपको बताऊं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक भी है। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, मगर ये यहां पर कहा रशिया के ऑनवॉय ने। उसके अलावा इन्होंने यहां पर ये भी ऐड किया कि दुनिया को आवश्यकता है कि इंडिया मिलिटरली स्ट्रांग रहे। इंडिया हैज जस्ट शोन एट दिस वेरी सेरेमनी टुडे दैट इट इज मूविंग फास्ट ऑन दिस पाथ टुवर्ड्स The status of a global major power. इस सब के अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया ये यहाँ पर मौजूद थे। ये INS विक्रांत का इनको यहाँ पर टूर करने को भी मिला और इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि रशिया के ऑनवॉय ने ये यहाँ पर क्यों लिखा है कि रशिया इज प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है INS विक्रांत का, इसमें रशिया का क्या रोल था? देखिए काफी क्रिटिकल रोल था और रहने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया का रोल क्या है तो INS विक्रांत का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ना CMS, जो एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसको संभालने में डेवलप करने में इनका क्रिटिकल रोल रहा है। क्योंकि रशिया की कंपनी है एक MARS, उसके अलावा इंडिया की कंपनी टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिविजन, इन लोगों ने मिलकर बनाया है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ INS विक्रांत। नाउ ये तो हमने बात कर ली रशिया की। USA की अगर हम बात करें तो USA का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था INS विक्रांत की तरफ, और USA की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई भी INS विक्रांत की सेरेमनी में नहीं पहुंचा, जो मेरे हिसाब से बहुत अजीब बात है। मुझे पता नहीं US इतनी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर क्यों कर रहा है। इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक ट्वीट कर दी US एम्बेसी से कि जी INS विक्रांत बन गया, देखकर अच्छा लगा, इंडो पैसिफिक की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो अब 20 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं कि कोई भी US एम्बेसडर डिप्लॉयड नहीं है इंडिया में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज हैं जहां पर US अपनी प्रेजेंस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जिससे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। खैर ये हमने बात करी है USA की। जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स दे गोले, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रांस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि INS विक्रांत जल्दी से जल्दी फ्रांस आए किसी युद्ध अभ्यास के लिए, और हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठा सेल कर रहे हैं। तो इनकी ये यहाँ पर कॉमेंट थी। उसके अलावा इसराइल की तरफ से सिंपल सी ये स्टेटमेंट आई है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर इंडियन ब्रदर्स, जॉब वेल डन, इसराइल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। Greetings from Cochin, from the beautiful state of Kerala. I'm standing on board the flight deck of the INS Vikrant, commissioned today by Prime Minister Modi ji, as part of the extension of power to ensure that the oceans remain free and open for all. A goal which we share between the United Kingdom and India, deep naval history, and now looking to the future on board this magnificent ship. Thank you. तो ये तो मैंने बात करी है ऑफिशियल रिएक्शंस की। चाइना की सरकार ने अभी तक INS विक्रांत को लेकर कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो इनके फॉर्मर एडिटर थे और आज भी आप कह लीजिए इनके जो मेन कॉलमिस्ट हैं हु शीजिन, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी है। ये भी वैसे मैं आपको बता दूँ काफ़ी हद तक चाइना की सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्विटर पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ मीडिया। तो ये यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया है INS विक्रांत को प्रमोट करने का। यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की बहुत सारी जो वीडियोस हैं ये पब्लिश करी है इंडियन नेवी ने। और मैं कहूँगा देखो बिल्कुल डिफेंस रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया है। हालांकि अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मगर INS विक्रांत की तरक्की देखकर चाइना के जो ये जर्नलिस्ट हैं सरकारी जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया इस 42,800 टन की वॉरशिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये 80,000 टन की कोई वॉरशिप है। और आगे ये कह रहे हैं कि चाइना के काउंटर पार्ट्स को ये देखना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से वीडियो बना रहा है, और ऐसी वीडियोस हमको भी बनानी चाहिए। तो ये लोग ऑफकोर्स सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा ही यहाँ पर जश्न मना रहा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, जबकि पहली बात तो INS विक्रांत का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 45,000 मेट्रिक टन है,
तो ये वैसे भी जो नंबर्स हैं उनको कम बता रहे हैं। उसके अलावा देखो आईएनएस विक्रांत का जो सोल पर्पस है वो है इंडियन नेवी को एक ट्रूली ब्लू नेवी बनाने का, जो अपने आप में चाइना के इंटरेस्ट को टक्कर देती है। मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि ब्लू नेवी का मतलब क्या है और आईएनएस विक्रांत का यहाँ पर क्या रोल होगा। क्या हो सकता है कि ओवर द इयर्स आप जब भी ऑनलाइन गए हो तो आपने काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स देखे हो जहाँ पर लगभग यही बात लिखी होती है कि आईएनएस विक्रांत जब बन के तैयार हो जाएगा तब ये चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी इंडिया के अगेंस्ट के लगातार इंडिया को घेरते रहो बहुत सारे नेवल बेसिस से या फिर बंदरगाह से, चाहे ग्वादर का हो या फिर हम्बनटोटा या फिर म्यांमार में सितवे पोर्ट हो या फिर जिबूती में जो पोर्ट हो, तो ये जो लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये बना रहे हैं उसका तोड़ है आईएनएस विक्रांत। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ब्लू वाटर नेवी एक बार अगर इंडिया की बन गई ना तो जो प्रेशर चाइना हम पे डाल रहा है वही प्रेशर हम चाइना पे डाल पाएंगे इन द फ्यूचर। पहली बात तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी होती है जो अपने एरिया के बियॉन्ड काम कर सके। एक तो होती है नॉन ब्लू वाटर नेवी जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ही काफ़ी हद तक सीमित रहती है, उसके आगे वो कहीं जाती नहीं है। फिर ब्लू वाटर नेवी में इतनी कैपेसिटी आपको दिखेगी कि वो अपने बॉर्डर्स के आगे जाकर ना अटैक भी कर सकती है, ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लू वाटर नेवी की भी ना टोटल 4 रैंक्स होती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1 में कहा जाता है ग्लोबल रीच वाली ब्लू वाटर नेवी। यहाँ पर सिर्फ एक ही देश आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास ट्रूली एक ग्लोबल रीच है। यूएसए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दे इंडियन ओशन में, फिर 2 डिप्लॉय कर दे पैसिफिक ओशन में, फिर अटलांटिक ओशन में, उसके बाद भी इनकी नेवी इतनी बड़ी है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए भी ये अपने नेवल बेसिस में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूएस एक रैंक 1 ब्लू वाटर नेवी है। रैंक 2 में आपको दिखेंगे फ्रांस और यूके। इसका मतलब ये है कि ये अपनी खुद की देश की रक्षा कर सकते हैं, उसके अलावा एक टाइम पर दुनिया के एक पर्टिकुलर रीजन में भी अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और यूके की नेवी आप देखोगे अपने अलावा ये रशिया के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहां पर हमेशा अपनी नेवी डिप्लॉय करके रखते हैं, एक थ्रेड रशिया को देने के लिए कि कल को अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो फ्रांस और यूके मिलकर रशिया पे अटैक कर सकते हैं अपनी नेवी से। तो इसलिए इनको कहा जाता है रैंक 2 ब्लू वाटर नेवी। इंडिया चाइना अभी आते हैं रैंक 3 की कैटेगरी में। ये है मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाले देश, मतलब कि ये जो देश है ना ज़्यादातर अपने रीजन के आसपास ही, अपनी तो खैर ये रक्षा कर लेंगे कंट्रीज अपनी नेवी से, उसके अलावा अपनी रीजन में ना ये अपनी पावर ज़्यादा शो कर सकते हैं, मगर किसी और ओशन में जाकर इनकी नेवी इतनी एक्टिव हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल चाइनीज नेवी आपको अटलांटिक ओशन में इतनी दिखेगी नहीं, ना इंडियन नेवी आपको दिखेगी अटलांटिक ओशन में या फिर किसी और ओशन में। तो इसलिए इंडिया, रशिया, चाइना, इटली, हम सब रैंक 3 पे आते हैं। उसके नीचे आती हैं रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाली जो कंट्रीज, जो बेसिकली अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी को इस्तेमाल के रखती हैं। इस कैटेगरी में आती है ब्राजील, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जर्मनी की नौसेनाएं। तो आईएनएस विक्रांत के आने से आप समझ सकते हैं इंडिया को ना एक ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए कल को चाइना ज्यादा अग्रेशन दिखाता है ताइवान के अगेंस्ट, जापानीज नेवी कूद जाती है ताइवान की रक्षा में, यूएस नेवी कूद जाती है, चाइना को प्रॉब्लम जारी है, तो इंडिया भी उस केस में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस विक्रमादित्य, और तब भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी कि एक ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में डिप्लॉयड रहे इंडिया की खुद के डिफेंस के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत से इंडिया के जो ब्लू वाटर नेवी के एम्बिशंस हैं ये और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और नेवी ने इसलिए ये भी कहा है कि हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देश से काफ़ी दूर जाकर कोई ऑपरेशन करता है तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड रहे ताकि इंडिया की प्रॉपरली हम प्रोटेक्शन कर पाए। तो एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो ये जो 20,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना दिया है जिसके 76% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है और 80% जो ये अमाउंट है 20,000 करोड़ का ये वापस इंडियन इकोनॉमी में गया है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय इंडिया। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी काम करें। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि मोटो क्या है आईएनएस विक्रांत का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये एक्चुअली एक फ्रेज है जो लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में यह बात लिखी है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, और यही मोटो है आईएनएस विक्रांत का। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अन अकेडमी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से भी काफ़ी मिली होगी नॉलेज, जैसे कि ब्लू नेवी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, इसमें चार होते हैं तो उसमें हम थर्ड नंबर पे रैंक करते हैं कि हम हमारी जो ब्लू वाटर नेवी का जो है पोजीशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रिपल वी तो होना ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। ट्रिपल वी समझ गए होगे आप, वी से विक्ट्री भी हो सकता है, वी से जो हमारे इसके नाम है, ठीक है, एयरक्राफ्ट करियर के, तो वो उस पर आते हैं। तो ट्रिपल वी होना ज़रूरी है, विराट वी आना चाहिए हमारे पास एक। तो इससे अगर हमारे पास विराट आ जाएगा तो हम ब्लू वाटर नेवी की कैटेगरी में माइट भी टू पे तो आ ही जाएंगे। वन पे तो चलो नहीं आ पाएंगे क्योंकि अमेरिका के पास बहुत है, लेकिन उस पर तो ज़रूर आ जाएंगे टू पे। बाकी रही बात चाइना के साथ, क्योंकि पुरकियों को ना कईयों को आदत है, बहुत सारे आपने चैनल्स देखे होंगे बहुत सारे पुरकियों के, वो बहुत भौंक रहे हैं कि इंडिया को क्या ज़रूरत थी, इंडिया की लड़ाई तो इधर क्या कहते हैं हिमालय में होती है तो इंडिया उसमें क्यों रख रहा है, ठीक है। एक तो कमर चीमू है चीमचा, वो कह रहा है कि इंडिया किसको डराने की कोशिश कर रहा है, इंडिया किसके लिए बना रहा है, पाकिस्तान के लिए बना रहा है कि चाइना के लिए बना रहा है। उस गधे के बच्चे को ये नहीं पता कि अगर इंडिया ना कोई चीज़ बनाता है चाइना को आगे रख के, तो बनाता तो इंडिया चाइना को आगे रख के, बट तुम तो किस कैटेगरी में आते हैं, तुम तो ऑटोमेटिकली उसमें उसकी जद में ऑटोमेटिकली आ जाते हो, ठीक है। अगर हम किसी बड़ी पावर को रख के कोई ध्यान में चीज़ बनाएंगे तो जो छोटे मोटे होते हैं ना कंट्री, जैसे पाकिस्तानी हो गए, ये टूटे फूटे कंट्री, ये तो ऑटोमेटिकली उसकी जद में आ जाते हैं। वो उनका दिमाग ही इतना कम है, वो अपने आप को ले लेते हैं कि यार ये इंडिया ये क्यों बना रहा है, इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है। भाई तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, हमारे पास पैसा है, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा है, 3 बिलियन लगाने का था हमने लगा दिए, ठीक है। जो अब हम तो चाहते हैं कि विराट भी बने, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने डॉक या एक और तैयार कर लिया है जो माइट भी 65,000 मैट्रिक टन का, 65,000 टन का भी एक बनाएगा जो उस कैटेगरी में आएगा जो हमारा विराट बनेगा। और जो अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसमें 10 साल लग गए हैं बनाने में, 2 साल एक्स्ट्रा लगे हैं बनाने में क्योंकि रशिया से हमें वो जो इसमें मेटल यूज़ होता है उसकी कंपोजिशन हमारे पास नहीं पहुँच रही थी। तो वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम इंडियंस को खुद को मैं मुबारकबाद देते हैं हम अपने आप को कि हमने वो मेटल भी ही तैयार कर लिया है जो अपने एयरक्राफ्ट करियर में जहाँ शिप्स में लगता है, जो वॉरफेयर शिप्स में लगते हैं मेटल, तो हमने उसके लिए 2 साल हमने खुद उस पर R&D की और हमने खुद बना लिया क्योंकि रशिया से हमें नहीं मिला। बाकी रही एक बात और, जो एक बात और कह दूँ, जो मैंने आपको फ्रेज का बोला था, जो मोटो का बोला था, वो आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी जो रखा हो गया है, बहुत अच्छा रखा गया क्योंकि हमारे ये वैसे ही लिया गया है पुरानों से, तो ठीक है। मैं तो सिर्फ कई लोग मेरे को कमेंट डालेंगे कि भाई नहीं ये ऐसा ऐसा है, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं उस बात पे नहीं कह रहा था कि ये फ्रेज के बारे में, मैं ये कह रहा था कि और थोड़ा सा कोई अग्रेसिव ही उठाया जा सकता था, ठीक है। मेरे को ये कम एट मी ब्रो, आई विल गिव यू अ पंच, हार्ड पंच, तो ऐसा मैं या दिमाग होता है, मेरी सोच थी, मेरे को वैसे पसंद आया आई डिफीट दोज, मैंने शुरू में भी कह दिया कि हु फाइट अगेंस्ट मी, चलिए इसका भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बाकी रही एक लास्ट जाते जाते बात बोल देता हूँ, देखिए भाई
ये जो भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कंट्रीज दे रहे हैं, आ रहे हैं, अमेरिका का था नहीं था कि छोटा दे दिया ट्वीट, बड़ा ट्वीट दे दिया, किसी ने बहुत अच्छा लिख दिया आपको लगा होगा, किसी ने नहीं लिखा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप कोई तरक्की करते हो ना, ठीक है, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप हो, चाहे अंडर डेवलपमेंट हो, चाहे वो मरी खपी हो, ठीक है, हर एक बंदे के 1% उसके दिमाग में जेलस रहती रहती है। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना तो खैर है ही है, जो जेलस करते हैं वो तो क्लियर ही कर देते हैं, दूसरे कंट्रीज भी 1% जेलस फील करते हैं कि ये इंडिया ने कैसे अपना अपने आप ये चीज़ बना ली है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हमें ये फील नहीं करना चाहिए कि अमेरिका आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, रशिया ने बहुत बढ़िया उन्होंने दिया, इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया, 1% होता ही होता है, बढ़ते कोई भी चीज़ बढ़ रही हो ना, उसको आप आपके दिल में आता है कि ये क्यों बढ़ गई, ऑब्वियसली मेरे दिल में भी आएगा, ठीक है, कि उस कंट्री ने बना लिया, अगर हमारी कंट्री से नीचे होगी तो मैं सोचूंगा कि यार इस कंट्री ने कैसे बना लिया, ठीक है। 1% जेलस, मैं अपने आप को एडमिट करता हूं कि मैं 1% जेलस जरूर करूंगा अपनी छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री से मैं ये कहूंगा जेलस नहीं कर सकता, मैं ये कहूंगा कि यार वो बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे, तो मेरे दिमाग में एक फैक्टर ये रहेगा। कंग्रेचुलेशन मैं जितनी मर्जी दे दूं, ठीक है, इसराइल बना लेगा तो मैं कंग्रेचुलेशन दे दूंगा उसको, ठीक है, लेकिन जब वो हमारे पास दो होंगे, अभी के लिए तो मैं बेस्ट रहूंगा क्योंकि हमारे पास दो हैं कैरियर, ठीक है। अगर उसने 3 बना लेता है तो मैं ये सोचूंगा यार इसराइल ने 3 बना लिया, हम क्यों नहीं बना पा रहे, तीसरा क्यों नहीं हम बना पा रहे। और कई लोगों को बहम था कि विराट नहीं बनना चाहिए या नहीं चाहिए, कई वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि एक आइलैंड लो, ये परमानेंट होता है, उसमें नुकसान भी नहीं होता है, उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, आइलैंड पे जहाज उड़ाओ, ये करो। देखो, अगर आपको ब्लू वाटर नेवी बनना है, जब अपनी धाक जमानी है, तो आपको दूसरे की सरहद में जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होते हैं, ठीक है, बस ये होती है। अब आइलैंड को तो हम लेके जा नहीं सकते, तो अमेरिका के इतने आइलैंड है, अमेरिका जाता तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए होते उसको, ठीक है, उसके पास है ही है बहुत सारा आइलैंड, तो हर एक कंट्री में उसके बेसिस हैं, लेकिन वो बना रहा है क्योंकि वो जाके वहाँ पे उनके ऊपर जाके पूरा एयरक्राफ्ट करियर, आप सोचो हमारा एक जो बना है एयरक्राफ्ट करियर, अगर हम पाकिस्तान की तरफ लगा देना, इनकी सारी की सारी नेवी ख़त्म कर देंगे, इतना पावरफुल होता है। एक देश को उड़ाने के लिए, छोटे मोटे देश को उड़ाने के लिए एक एयरक्राफ्ट करियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम दूसरी कंट्री में जाके उस पर दबदबा बना सकते हैं मिनटों सेकंडों में, तो ये बात होती है। बाकी मेरी पूरी है कि विराट भी आना चाहिए, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 65,000 से ऊपर, जब मिनिमम 60-65,000 तो होगी, उसके ऊपर होगी तो ज़्यादा मजा आएगा, नो डाउट कि अमेरिका के लाख लाख के हैं। और एक बात और, चाइना का जो कह रहे हैं ना कि दो हैं, मैं आपको एक बात आज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, दिमाग में आप बिठा लेना, चाइना जितना मर्जी कह ले कि हमारे पास इतनी सबमरीन्स हैं, चाइना के पास अगर 4 हो जाएंगे ना, तो हमारे 2 ही काफ़ी हैं चाइना के, हमारा एक एयरक्राफ्ट करियर चाइना के 2 एयरक्राफ्ट करियर कैरियर के बराबर है, ये आप इसके चाहे वैसे तो मिलते नहीं हैं डेटा, मेरे को भी नहीं मिलते, लेकिन जिस हिसाब से वो चीज़ें बनाते हैं, या आप उनको छोड़ो, आपको चलो डिफेंस का नहीं कर सकते हम, आपके जितनी उनकी चीज़ें यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट होती हैं चाइनीज़ की, उसको कंपेयर करो कभी जापानीज मोबाइल के साथ या अमेरिकन मोबाइल के साथ, उसका कंपैरिजन करना, या इंडियन प्रोडक्ट के साथ ही करना, एक उसका नो डाउट वो चीप होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका जो फंक्शन करने का उसका सारा, वो आधा ही होगा, 50% होगा। सैमसंग का मोबाइल उठा लो, शाओमी का उठा लो, सैमसंग की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है शाओमी से, तो इसका मतलब जो डिफेंस में भी बनाते हैं ना, कई लोगों को बहम होता है कि डिफेंस में बहुत तगड़ा काम करते हैं, भाई डिफेंस में वो अगर तगड़ा काम करते हैं तो इंडिया भी तगड़ा काम करता है, अमेरिका भी तगड़ा काम करता है, तो लेवल वही पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 हैं, उनके पास 4 भी होंगे, तब भी हमारे 2 का मुकाबला उन 4 के मुकाबले में बराबर होगा, ठीक है, उनका 5 हो जाएगा तो 10% आगे, 6 हो जाएंगे तो 20-30% आगे निकल जाएंगे, पावरफुल ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर 2 इधर हैं 2 उधर हैं, तो हमारा ही दबदबा ज़्यादा है 50% उनसे, उनको 4 करने पड़ेंगे इंडिया का मुकाबला करने के लिए।
तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो बताने कि इसमें मैंने क्या समझा कि आपने क्या समझा। तो वीडियो होगी लंबी, तो इसी नोट के साथ आपको अच्छा समझ आया होगा, मेरे विचार भी समझ आए होंगे। तो प्लीज़ अपने इस भाई के चैनल को, अपने हिंदुस्तान भाई के चैनल को, नेशन फर्स्ट को, हमेशा नेशन फर्स्ट को लेके चलो, इंडिया को फर्स्ट लेके चलो। हमें इंडिया को एकजुट करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सोल्जर बन जाओ मेरे साथ मिलके। ठीक है, हमें आगे बढ़ना ही है, हमें इंडिया को एकजुट करना ही है इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, ऐसी बातें बतानी है ताकि हमारा हौसला भी बढ़ सके और हम दुश्मनों के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में दांत खट्टे भी कर सके। तो यहां तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।